नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पर अपलोड की जाती है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड हो सीधे आपके पास पहुंच जाए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब की कुछ कमियाँ थी, यूट्यूब का कुछ दिक्कतें थी, यूट्यूब की कुछ समस्या थी जिसको लेकर लगातार यूट्यूब काम करता है और आपके सेफ्टी के लिए, आपके सुरक्षा के लिए और आपके टाइम सेविंग के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड टूल्स अपनाए हैं ताकि आपको हमेशा डे बाय डे बेनिफिट पहुंचा रहा है। उसी में से एक बेनिफिट है यूट्यूब का जिसका नाम है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग पर आप कैसे अपने वीडियोज़ को लगा सकते हैं इसके बारे में आपको मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, आप हमारे वीडियोस में अंतिम समय तक बने रहें, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा लाइव डेमो के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप अपने वीडियोस को कैसे शेड्यूलिंग पर रख सकते हैं ताकि आप कभी भी अपने वीडियो को पब्लिश करने में सक्षम हो पाएँ। आप कहीं भी रहें तो वो वीडियो पब्लिश हो जाए, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में चाहते हैं तो वो पब्लिश हो जाए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे शेड्यूलिंग के बारे में। तो सबसे पहले शेड्यूलिंग जो होता क्या है कि शेड्यूलिंग होता है कि आप अपने यूट्यूब के वीडियोस को आज अगर अपलोड कर दिए तो आप एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद, एक हफ्ते बाद, दो घंटे बाद, चार घंटे बाद, शाम, सुबह, कभी भी आप उसको एक टाइमिंग देकर अपने वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं। इसका बेनिफिट होगा कि मान लीजिए बहुत सारी, जैसे कि आप कोई कंपनी चलाते हैं, आप यूट्यूब की कंपनी चलाते हैं, सपोज आप कोई ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, मान लीजिए संडे की आपकी छुट्टी हो गई, अब संडे को आपको एक कोई वीडियो है उसको अपलोड करना है, तो आप वहां पे गए नहीं, ऑफिस नहीं गए और दफ्तर बंद है, तो आप उसको कैसे पब्लिश कीजिएगा, कैसे आपको उसको लोगों के बीच पहुंचाइएगा, दिक्कत तो है। इस दिक्कतों का जो सामना है यूट्यूब को लगा, कुछ लोग सजेस्ट किए और यूट्यूब ने एक नया उन्होंने अपना रूल निकाला और इसके माध्यम से आप शेड्यूलिंग के माध्यम से अपने वीडियोस को वहां से पब्लिश कर सकते हैं। आप घर बैठे संडे के दिन वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी को दिक्कतें हो रही थी, जैसे कोई वीडियोस है मान लीजिए उसको रात में 2 बजे अपलोड करना है, और रात में 2 बजे अपलोड करना है तो कोई बंदा जगता नहीं था, कोई बंदा जगेगा भी नहीं, क्यों भाई, क्यों रात में 2 बजे जगे उसको पब्लिश करने के लिए। तो यूट्यूब ने बहुत अच्छा नियम दे दिया है और बहुत अच्छा रूल, बहुत अच्छा टेक्निक दिया है यूट्यूबर्स के लिए, जो यूट्यूबर्स लगातार यूट्यूब पे काम करते हैं और वो चाहते हैं कि यूट्यूब जो है हमारे अनुसार चले, हम अच्छे तरीके से उसको अपने तरीके से हैंडल करें ताकि अपने व्यूअर्स को अपने लोगों के पास पहुंचा सके। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी कह देते हैं कि आज 5 बजे वीडियो आएगा, आज 6 बजे वीडियो आएगा, 7 बजे वीडियो आएगा, तो होता क्या है कि अगर कोई भी वीडियोस पब्लिश करता है आदमी तो 1-2 घंटा पहले, अगर डेली के बेसिस पे करता है तो 1-2 घंटा पहले तैयार कर लेता है। मान लीजिए मैं आपको टाइम दे दिया कि मेरे व्यूअर्स को कि मैं 5 बजे वीडियो लेकर आऊंगा आपके बीच, ठीक है, और 5 बजे मेरा कोई अर्जेंट काम पड़ गया और मैं उस अर्जेंट काम करने को चला गया तो मैं तो 5 बजे तो वीडियोस ले नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए क्या होगा कि हमारे जो व्यूअर का ट्रस्ट है वो हम पे वो हट जाएगा कि ये 5 बजे बोलता है, 5 बजे लेकर नहीं आता है। तो अब क्या है कि पहले क्या है कि आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करके 5 बजे टाइम दीजिए, आपको अर्जेंट काम आया चाहे आप कहीं भी गए कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आपका जो वीडियोस होगा वो 5 बजे जो है वो पब्लिश अल्टीमेटली हो सकता है। तो यूट्यूब का ये बढ़िया नियम है और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग भी इस चीज़ को जान लें जो यूट्यूब पे काम करते हैं और चाहते हैं कि मैं आज वीडियो बनाऊं और 5 दिन के बाद पब्लिश हो, तो आप वैसा काम कर सकते हैं। मैं आपको लाइव बताऊंगा, लाइव डेमो के माध्यम से कि वीडियो अपलोडिंग को अपलोडिंग के दौरान आप कैसे उसका इस्तेमाल करें ताकि अपने शेड्यूलिंग को, अपने टाइमिंग को एक सही समय पर, सीमित समय पर लगा सकें और अपने वीडियोज़ को वहाँ पर उसी टाइम में पब्लिश कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं डेमो। चलिए तो शुरू करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी अगर वीडियोस है उसको बाद में पब्लिश करना चाहते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे शेड्यूलिंग करनी होगी ताकि आपका वीडियोस आज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, इतने टाइम बाद आपका वीडियो जो है वो है जो आपको अपने आप पब्लिश हो जाए। सबसे पहले हम अपने चैनल को खोलते हैं, ठीक है, ये मेरा चैनल है टेक्निकल दुनिया, ठीक है, टेक्निकल दुनिया आप यहाँ पे सर्च कीजिए यूट्यूब पे। जैसे ही आप टेक्निकल दुनिया सर्च करते हैं यहाँ पे ये हमारा वीडियो सारा जो है वीडियोस में आ जाएगा, ठीक है, टेक्निकल दुनिया में सारा वीडियोस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, जैसे आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि इसी प्रकार की अपडेट इस पे आती रहेगी। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि आपको टेक्निकल दुनिया चैनल पे जो मैं वीडियोस अपलोड करना हो, जो मैं आपको लाइव डेमो के माध्यम से बताऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि अपने वीडियोस को शेड्यूलिंग में कैसे लगाएं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियोज़ का मेरा टाइटल है कि हाउ अपने वीडियोज़ को सजेशन में कैसे लाएँ, ठीक है, हाउ टू गेट योर वीडियो सजेस्टेड और रिकमेंडेड बाय द यूट्यूब,
ठीक है, वीडियो को कैसे लाए सजेशन में, ठीक है, ये मैंने एक कर दिया, ये मैंने टाइटल डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में ऐसे जो भी है इसका डाल दिया, ठीक है। इसका क्या है कि मैंने टैग जो भी डाला था, जैसे सजेस्टेड वीडियो सिलेक्टेड, जो भी टैग सजेस्टेड वीडियो यूट्यूब एल्गोरिथम, हाउ टू गेट रिकमेंडेड, हाउ टू गेट मोर सजेशन, हाउ टू गेट योर वीडियो रिकमेंडेशन, हाउ टू गेट योर वीडियो रिकमेंडेशन, हाउ लाइक यू नो, सब जितना भी इसमें चांसेस बनता है, जितने प्रॉबिलिटी बनता है, सबको मैंने क्या किया कि इसमें कर दिया, ठीक है। इसमें करने के बाद अब आपको क्या करना है कि सिंपल चांसेस होता है कि मैंने यहाँ से थंबनेल लगा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे थंबनेल लगा दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप थंबनेल लगाते हैं, यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है पब्लिक का, तो पब्लिक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अनलिस्टेड दिया होता है, प्राइवेट दिया होता है, शेड्यूल दिया होता है। तो जब भी हम कोई पर्टिकुलर टाइम पे चाहते हैं कोई वीडियोज़ को पब्लिश करना, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे पब्लिक क्लिक करते हैं और पब्लिक क्लिक करके यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक में क्या होगा कि पर्टिकुलर टाइम जिस समय में आप पब्लिश कर रहे हैं उसी टाइम वो वीडियोज़ पब्लिश हो जाती है, तो उसको आपको नहीं करना है अगर आपको शेड्यूलिंग में लगाना है तो, ठीक है। ये होता है अनलिस्टेड, मतलब लिस्ट में नहीं रहेगा, आपके अनलिस्टेड हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट में जैसे कि कोई वीडियोज़ चाहते हैं कि प्राइवेट रखें, अपलोड कर लें, लेकिन प्राइवेट रखें और उसको बाद में उसको पब्लिश करना होगा तो करेंगे, तो इसको यहाँ से करके क्लिक करके आप यहाँ से प्राइवेट में कर सकते हैं। तो प्राइवेट क्लिक करने का, प्राइवेट क्लिक आदमी तभी करता है जब चाहता है कि प्राइवेट कर देते हैं, और जब हमें क्या करना होगा कि जब हमें पब्लिश करना होगा तो हम खोलेंगे यूट्यूब चैनल अपना, और फिर उसके बाद वहाँ से जाके उसको क्या करेंगे कि पब्लिकली उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये है जो हम करेंगे अगर प्राइवेट, तो इसके लिए करेंगे। अब आता है शेड्यूलिंग पर, तो जैसे ही हम शेड्यूलिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको डेट आ जाता है, यहाँ पर टाइम आ जाता है, और यहाँ पे लोकल टाइम जो आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट आ जाता है। तो मान लीजिए मुझे 16 तारीख है, तो मान लीजिए मुझे 25 तारीख को करना है, तो आप 25 तारीख को यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या चल जाइए, यहाँ पे देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप टाइम सेट कर ली। इसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे डेट सेट, टाइम सेट करना है कि आपको कितने बजे करना है। तो ये जो टाइमिंग है, देखिए आप यहाँ पे जो टाइमिंग लिखा हुआ है 1, 2, ये 0, 0, 15, मतलब हाफ 15, 15, जैसे कोई दो वीडियोज़ लगाना चाहते हैं तो दो वीडियोज़ के गैप में जो 15 मिनट का गैप होगा उसके बीच में आप लगा सकते हैं, तो दो वीडियोज़ के बीच में आपको 15 मिनट का गैप होगा। तो ये आपका जो लिखा हुआ है 0:45, 1:45, तो ये टाइमिंग है आपका भोरहरिया का टाइम है, जो कि रात में होता है टाइमिंग, वो टाइमिंग है ये 2:30, ये सब जो है ये होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप ऊपर आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, तो ये दिन होता जाता है, 9:30 सुबह, 7:30 हो गया, दिन हो गया। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं टाइमिंग, यहाँ पे टाइमिंग, जो टाइमिंग आपको लगाना है वो वहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप सेट करते हैं, यहाँ पे क्या करना है कि आपको जैसे ही आप सेट करेंगे, यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा कि आपने किस डेट में इसको किया है, ठीक है। तो मैंने किस डेट में सेट किया है, तो 25 तारीख में डेट सेट किया है, तो यहाँ पे पब्लिश ऑन सैटरडे 25। अब क्या होता है कि आप वीडियोज़ को अपलोड करने के बाद टाइम लगा दीजिए, यहाँ पे अपना डेट लगा दीजिए, यहाँ पे अपना टाइम लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए कि इसको पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। इसको पब्लिश करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पब्लिश करते हैं आपका वीडियो जो है वो सीधा आपको उसी टाइम पे, उसी दिन पे आपका जो वीडियो होगा वो अपने आप पब्लिश हो जाएगा। उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि आप यहाँ पे अगर सही तरीके से लगा देते हैं तो उस टाइम में, उस डेट के दिन आपका वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाएगा, और आपका जो वीडियो है वो पब्लिकली जो है वो शेयर हो जाएगा, लोगों के बीच आराम से पहुंच जाएगा। तो ये है बेसिकली, यहाँ पे आपको क्लिक करना है शेड्यूलिंग पे, शेड्यूलिंग पे क्लिक करने के बाद डेट जाना है, डेट पे जाकर यहाँ पे आपको डेट कौन सा लगाना है यहाँ पे जाना है। आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगले महीने का भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना टाइम लगा दीजिए कितने बजे करना है, और फिर यहाँ पे जब जैसे सेट करते हैं यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो बस यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करते हैं तो ज़रूर आपका जो वीडियो है वो बाद में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, पब्लिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो देखा आपने कि कितना फ़ायदेमंद है ये, आपको आपका टाइम सुरक्षित करेगा, टाइम सेव करेगा, और आपके परेशानी को यूट्यूब समझते हुए इन्होंने नया नियम जारी किया है। और ये नियम बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है इस टूल का और इस शेड्यूलिंग जो सर्विसेज है यूट्यूब के माध्यम से, इसका आप इस्तेमाल जरूर करें। इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदेमंद होगा, और आप भी
अपना काम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने व्यूवर्स के बीच एक अच्छे समय पर पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं और अपने दर्शकों को अपनी जो कंटेंट है वो सही समय पर पहुंचा सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। बाकी अगर कोई प्रश्न है, कोई जानकारी पूछना चाहते हैं, आपको कोई काम करते समय टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करें। हो सकेगा तो मैं उस पर वीडियोज बनाऊंगा और आपको आगामी वीडियोज के तौर पर उसी वीडियोज को लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।